स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ओवर द सेंचुरीज इंडियन ओशन रीजन ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज का हॉटस्पॉट रहा है। 18th और 19th सेंचुरी के बीच इसी इंडियन ओशन रीजन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपने नेवल बेसिस बनाकर ब्रिटेन वर्ल्ड सुपर पावर बन गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश कॉलोनियल नेशंस का आजाद होना और ब्रिटेन के कमजोर होने से इंडियन ओशन में पावर वैक्यूम की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच लगातार टकराव से वेस्ट में अरेबियन सी से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के बीच कई नेवल बेस बनाए गए। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन से इंस्टेबिलिटी का माहौल पैदा हो गया। ऐसे में सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चाइना ने एशिया और अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर की धौंस दिखाते हुए इमेजिनरी नैंड डैश लाइन के सहारे साउथ चाइना सी में कई आइलैंड्स पर कब्जा किया और कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर वहां अपने मिलिट्री बेसिस बनाए। वहीं वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी विस्तारवादी नीति के तहत इंडियन ओशन में भी पैर फैलाने लगा। आज चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी को अपनाते हुए कर्ज ना चुका पाने वाले देशों के रिसोर्सेज और पोर्ट्स पर कब्जा कर अपने मिलिट्री बेसिस बनाने लगा। ऐसे में इंडियन ओशन में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल इंडियन ओशन का ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ के सी रूट की वजह से काफी अहम है। साथ ही यहाँ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और मिनरल ऑयल के वास्ट रिजर्व्स इसी जियोपॉलिटिकल टसल का हॉटस्पॉट बनते हैं। यही कारण है कि चाइना एग्रेसिवली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दोनों के थ्रू रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को इससे निपटने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। इसी दिशा में काम करते हुए अब इंडिया मॉरिशियस का एगेलेगा आइलैंड में एक बेस बना रहा है। रिसेंटली मिली रिपोर्ट के अनुसार इंडिया एगेलेगा में एक मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है जो चाइना की चाल को नाकाम करने में काफी कारगर साबित होगा। रिसेंट न्यूज के मुताबिक मिलिट्री बेस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम एगेलेगा आइलैंड में बन रहे इसी इंडियन बेस के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में समझने के साथ साथ इंडियन ओशन में कैसे ये चाइना को काउंटर करने में हेल्पफुल साबित होगा ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, करीब दो साल पहले कतर बेस्ड इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपने रिसर्च के बेसिस पर यह दावा किया था कि इंडियन ओशन के वास्ट एक्सपेंस के बीच एक डेजर्टेड आइलैंड पर इंडिया एक सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है। इस मिलिट्री बेस का यूज इंडिया समुद्र में अपनी पावर, स्टेटस और सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए करने वाला है। वहीं अब एगेलेगा आइलैंड की रीसेंट सैटेलाइट पिक्चर्स ने सभी को चौंका दिया है। इस सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि एगेलेगा आइलैंड पर 3 किलोमीटर से लंबी एयर स्ट्रिप का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने बड़े रनवे पर किसी भी भारी भरकम एरोप्लेन को इजिली लैंड और फ्लाई किया जा सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट और PAT नेवल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को यहां से इजिली ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा कई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिनमें एक लार्ज हैंगर भी शामिल है। हैंगर में प्लेन्स के अलावा ड्रोन्स को भी इजिली पार्क किया जा सकता है। वहीं लॉजिस्टिक्स और अकोमोडेशन के लिए दो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही आइलैंड के एक एंड पर डीप वाटर पोर्ट भी बनकर तैयार है। इस पोर्ट पर लगे शिप्स जैसे वॉरशिप्स को इजिली डॉक किया जा सकता है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि मॉरिशियस के इस एगेलेगा आइलैंड पर इंडिया का फॉरेन मिलिट्री बेस है। वहीं इंडिया की तरफ से इन क्लेम्स को ना कभी एक्सेप्ट किया गया और ना ही रिजेक्ट। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का दावा है कि न्यू फैसिलिटीज उसकी रीजन में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नीति यानी सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर पॉलिसी का पार्ट है, जिसका एम रीजन की कंट्रीज के बीच मैरिटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज करना है। वहीं मॉरिशस ने अपनी ओर से इंडिकेट किया है कि उसके कोस्ट गार्ड पर्सनल इन नई फैसिलिटीज का यूज कर सकेंगे। इंडियन ओशन के इस डिसोलेट आइलैंड पर इंडिया की एंट्री 2015 में हुई थी, जब PM मोदी मॉरिशस विजिट पर गए थे। उस समय दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट साइन हुए थे। उनमें से एक एग्रीमेंट इस आइलैंड को डेवलप करने का भी था। एग्रीमेंट के मुताबिक भारत एगेलेगा आइलैंड पर सी और एयर ट्रांसपोर्ट के मोड्स में बढ़ोतरी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया ने इस रिमोट आइलैंड पर एयरफील्ड, पोर्ट और कम्युनिकेशन हब डेवलप करने में $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे में इसका मकसद मॉरिशियस को अपने टेरिटोरियल वाटर्स की निगरानी करने की कैपेसिटी डेवलप करने में हेल्प करना नहीं है, बल्कि रीजन में इंडिया को अपनी स्ट्रेटजिक पावर को इंक्रीज करना है। इंडियन ओशन की वास्टनेस का मतलब है कि PAT और दूसरे मैरिटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को स्टैगिंग पॉइंट्स पर एयरफील्ड और रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ऐसे में नॉर्थ एगेलेगा आइलैंड जैसी फैसिलिटीज काफी हेल्पफुल होंगी।
हालांकि पीएटआई के यूज के लिए इंडियन ओशन में एगेलेगा ही एकमात्र मॉडिफाइड आइलैंड नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन में भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जंक्शन पर मिलिट्री फैसिलिटीज को भी इंडिया के पेट्रोल एयरक्राफ्ट मिशंस को बेटर सपोर्ट देने के लिए इनहेंस किया गया था। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11th of September को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, आगे लगेगा इंडियन ओशन में लोकेटेड मॉरिशियस ओन्ड एक स्मॉल आइलैंड है। ये मॉरिशियस के मेन आइलैंड से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। एगेलेगा आइलैंड 12 किलोमीटर लॉन्ग और करीब 1.5 किलोमीटर वाइड है और यहाँ पॉपुलेशन काफी कम है। बताया जाता है कि करीब 300 लोग एगेलेगा पर रहते हैं और उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग और कोकोनट कल्टीवेशन है। यह आइलैंड अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये कई रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज का होम है। खास बात यह है कि एगेलेगा आइलैंड जहाँ लोकेटेड है उसी एरिया में US मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया, चाइना का मिलिट्री बेस जिबूटी और फ्रांस का मिलिट्री बेस रियूनियन आइलैंड भी मौजूद है। ये सभी मिलिट्री बेसेस सी में हैं और एरिया वाइज मात्र कुछ किलोमीटर में फैले हुए हैं, लेकिन ये सभी मिलिट्री स्टेशंस अपने अंदर इमेंस पावर समेटे हुए हैं। इनकी रियल स्ट्रेंथ वहाँ की आर्मी और हेड्स ऑफ स्टेट को पता है। दुनिया भर की एजेंसीज इनकी पावर का अंदाजा मात्र लगा सकती हैं और सबसे पता चलता है कि भारत का बैकयार्ड यानी इंडियन ओशन का एक्सटेंसिव मिलिट्राइजेशन हो चुका है। ये वर्ल्ड का वो मैरीन एरिया है जिसके थ्रू वर्ल्ड के 2/3 ऑफ फ्यूल की सप्लाई होती है। तो अगर हम जियो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एगेलेगा में इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रेटजिक एरिया में इंडिया का ऐसा प्रेजेंस है जो इंडियन ओशन में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर को इंडिया के फेवर में शिफ्ट करने का पोटेंशियल रखता है। जैसे मॉरिशियस के एगेलेगा आइलैंड पर रनवे, पोर्ट और दूसरे इंफ्रा से इंडियन ओशन में इंडिया का प्रेजेंस काफी मजबूत होगा। वहीं जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एगेलेगा इंडियन ओशन के इम्पोर्टेंट मैरिटाइम रूट पर सिचुएटेड है। इस रीजन से हर साल लार्ज अमाउंट में ट्रेड होता है। इसके अलावा एगेलेगा आइलैंड से इंडिया के सदर्न एरियाज की भी इजिली मॉनिटरिंग की जा सकती है। चाइना का मिलिट्री बेस अफ्रीका के जिबूटी में लोकेटेड है। ऐसे में चाइना को जिबूटी तक जाने के लिए एगेलेगा के करीब से गुजरना होगा। वॉर टाइम में इंडिया आइलैंड पर अपने प्रेजेंस के एडवांटेज ले सकता है। इससे एनिमी के इम्पोर्टेंट सी रूट को तुरंत बंद किया जा सकता है। साथ ही यहाँ से एनिमी के हर मूवमेंट को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वहीं भारत पायरेसी से कॉम्बैट करने, सर्च और रेस्क्यू कैपेबिलिटीज को डेवलप करने और स्मॉल स्टेट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने के साथ इंडियन ओशन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए अपने नेवल प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में चाइना ने इंडियन ओशन में अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट्स को इंक्रीज किया है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया की घेराबंदी करने में लगा हुआ है। उसने इंडियन ओशन लिटोरल्स यानी तटीय इलाकों में मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज का एक नेटवर्क डेवलप किया है। ऐसे में इसे काउंटर करने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और USA, फ्रांस के साथ कोऑर्डिनेशन कर इस रीजन में चाइना की ऑपरेट एबिलिटी को रोकने और सीमित करने के लिए इंडियन ओशन में अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहा है। वहीं एगेलेगा आइलैंड की फैसिलिटीज भारत को समुद्र के इस हिस्से पर नजर रखने में केपेबल बनाएगी और इंडियन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नेटवर्क में एक की स्टेजिंग पोस्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।